सीढ़ी दी गई है हल्का सा और पूरा ये देखिए। Hey guys, welcome back my YouTube channel Vlogs Rahul पे फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आ चुका हूँ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पे और यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा और चार्जेस क्या है वो उनसे पूछकर ही मैं आप लोगों को बतला पाऊंगा। बाकी इतने सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं हमें जिप्सी का, क्योंकि अंदर में जिप्सी अलाउ है, बाइक वगैरह अलाउ नहीं है, तो देखते हैं क्या चार्जेस है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे बोलते हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क, और यहाँ पे शुल्क है, पहले टाइमिंग देख लीजिए, खुलने का समय है 8 बजे से शाम 5 बजे तक कुटुम्बसर गुफा के लिए, 8 से 4 बजे तक ये सब टाइमिंग है। और यहाँ पे शुल्क है, पढ़ लीजिएगा क्या क्या शुल्क लग रहा है। और यहाँ पे जिप्सी है जो आपको लेके जाएगी, 2 घंटे मैक्सिमम लग जाते हैं, अंदर में गुफा देखने को मिलेगा, तो हम लोग भी टिकट कटाने के लिए वेट कर रहे हैं। 4 या 5 नंबर के बाद में हमारा नंबर है, हमारे भाई बस्तरिया भाई लगे हुए हैं। एक चीज में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 नवंबर से 15 जून तक गुफा प्रवेश, 16 जून से 30 अक्टूबर तक ये बंद रहता है। यहाँ पर हमारी जिप्सी आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं। और हम लोगों ने शेयरिंग पे लिया हुआ है, कुछ भाई लोग हैं उन लोग 10 लोग हैं और हम लोग 3 लोग, इतने सारे लोग आए हुए हैं और घूम कर वापस जा रहे हैं, अब हमारी बारी है। एक जिप्सी निकल चुकी यहाँ पे, अरे हमारे भाई लोग का जिप्सी भाई लोग है सब पूरे। एक जिप्सी वापस आ रही है, हमारी जो जिप्सी जिसमें हम बैठने वाले हैं वो ये है, इसमें हम लोग बैठने वाले हैं भाई लोग के साथ में, बहुत मजा आने वाला है। हमारे भाई लोग तो काफी लेट कर दिए हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं उन लोग, अभी जाने वाले हैं हम कुटुम्बसर गुफा। गाड़ी निकल चुकी है जिप्सी, खोल दो भाई गेट, वेट राइडर बैठ चुके हैं सबसे, ये देखो राहुल भाई और हमारे बस्तरिया भाई एक बंदर नजर आया है। 14 किलोमीटर तक ऐसे ही है, उसके बाद में कुटुम्बसर गुफा देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कांगेर घाटी क्या क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट टाइम है अपना भी। रोड मिला है हमें, बाकी तो खटारा रोड था पूरा, बाकी मजा आ रहा है जिप्सी में राइड करने में। पहले यहाँ पे बाइक लेकर आते थे लेकिन अब टोटली बंद हो चुका है। अच्छा ये गांव है, गांव है, अरे बाप, इसके अंदर में प्यारा सा गांव भी है। तो गांव वाले लोग अंदर में रहते हैं, क्या बात, डस्ट देखिए कितना डस्ट हो रहा है यहाँ पे, आपके जितने भी कपड़े हैं पूरे खराब होने वाले हैं भाई साहब इस डस्ट में। नदी नद्दा लेके जा रही है, गए हैं किधर आए हैं पता नहीं, कांगेर धारा क्या। हमारे भाई लोग सब जा रहे हैं देखने के लिए, तो चलिए चलते हैं देखते हैं किस तरह से यहाँ पे धारा बह रही है। यहाँ पे गांव के लोग हैं जो इस तरह से बेच रहे हैं, बेर नड्डा, ये छोटी सी गुड़िया है। चलो चलते हैं कांगेर धारा, वाटरफॉल आवाज आ रहा है, ये गुड़िया भी बेच रही है। अच्छा वो भाई लोग हम लोगों को मिल गए, जो हमारे साथ भाई थे वो राजनांदगांव से ही हैं, उन लोगों ने बोला कि शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे हमें भी फायदा हो गया उन लोगों को भी फायदा हो गया। यहाँ का एरिया देखिए भाई, सुंदर सा ये एरिया है, वाटरफॉल वहां पे बन रहा है,
क्या नज़ारे हैं भाई, पत्थर ही पत्थर है चारों तरफ। देखिए कितने बड़े बड़े चट्टाने हैं। छोटा सा है वाटरफॉल, लेकिन कम से कम इसमें पानी तो बह रहा है। बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है ये। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा पास से देखते हैं। चट्टाने देखिए, नीचे गिर सकता हूँ मैं। ये हमारे दूसरे भाई है, सब राजनांदगांव एक भाई यहाँ पर है। थोड़ा सा चढ़कर देखते हैं। बाकी सही है भाई ये जगह। अरे वाह, यहाँ से एक्चुअल में व्यू आ रहे हैं काफ़ी तगड़ा। यहाँ पे दो वाटरफॉल बन रहे हैं, एक उधर से और एक इधर से। बाकी एरिया की बात करूँ तो काफ़ी खूबसूरत सा एरिया है। पत्थर ही पत्थर भाई यहाँ पे। काफ़ी शानदार सा नज़ारा है। आगे में भी है, आगे चलते हैं। और तो पत्थर देखिए आप, यहाँ से आ रहा पानी। अब ये पानी कहाँ से आ रहा है नो आइडिया। इसका सूत्र क्या है पता नहीं है। इसका नाम बस जानता हूँ, कांगेर घाटी। यहाँ पे मस्त बैठकर आप नहा सकते हो, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे। तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे। अगर आप फैमिली या बच्चे के साथ में आते हैं तो मस्त बैठकर यहाँ पे नहाना धोना कर सकते हैं। और इसकी जो धारा है काफ़ी खूबसूरत है। पूरा पैसा वसूल है, मैं तो बोलूँगा आपको 1500 रुपये खर्च करने चाहिए और ये खूबसूरत नज़ारा को देखने के लिए। और भी जगह है जिप्सी हमें लेके जाएगी, यहाँ पे एक गुफा भी है वो भी देखने वाले हैं हम लोग, लेकिन पूरा पैसा वसूल है। लेकिन आपके जो पैसे हैं ना व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब हम लोग फिर से अपने जिप्सी की ओर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं डियर पार्क। अभी अभी नया खुला हुआ है, भाई बता रहे हैं कि अंदर जाने की परमिशन अभी नहीं है। दूर से ही देखेंगे, उसके बाद फिर निकल पड़ेंगे कुटुम्बसर गुफा देखने के लिए। अब फिर से हम निकल पड़े हैं डियर पार्क के लिए। यहाँ पे एक जिप्सी और आ चुकी है, आती रहती है जिप्सी वगैरह। अरे भाई गाइस, यही है डियर पार्क जहाँ पे हिरन वगैरह है, जंगली सूअर है वहाँ पर है। तो डियर नज़र आ रहा है लेकिन जाली की वजह से आपको शायद ही दिख पाएगा। थोड़ा सा जूम करता हूँ, अगर मूवमेंट करते हैं तो शायद दिख पाए आपको। ये अभी फिलहाल ओपन नहीं हुआ है। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं कुटुम्बसर गुफा और हमारे भाई लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं जो कि राजनांदगांव से हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुटुम्बसर गुफा। यहाँ पे फोटो भी लगा हुआ है, बैक कैमरा से आपको थोड़ा सा झलक दिखला। इस तरह से पूरा नजारा है अंदर में, ये तो फिलहाल फोटो है। चलो अब साथ में ही रहना है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी चेंज हो जाता है। इस गाड़ी पे हम लोग आए हैं, ये गाड़ी चेंज हो सकती है, तो कोई भी गाड़ी पे हम बैठ कर बाहर की ओर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे भाई लोग नड्डा वगैरह खरीद रहे हैं और यहाँ पे सब लोग, चलो काफी लोग आए हैं। एक
तो यहाँ पे पर्ची दिखाना होता है, उसके बाद आपको एक गाइड दिया जाता है जो टॉर्च लेके आप लोगों को गुफा के बारे में बतलाएंगे और गुफा आपको दिखलाने वाले हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ दी गई हैं, तो ये अच्छी बात है, सीढ़ी के थ्रू हम नीचे उतर कर बड़े आसानी से जा सकते हैं, लेकिन डस्ट काफ़ी ज़्यादा उड़ता है। क्या मस्त लग रहा है, नेचर यहाँ का काफ़ी सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे एसी का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को। पत्थर देखिए कितना बेहतरीन है भाई, ये ऐसा पत्थर तो मैं कभी देखा ही नहीं हूँ मैं। आप लोग देखे हो तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे बंदर है। तो अभी हम लोग कुटुम्बसर गुफा के अंदर जाने वाले हैं, भाई लोग सब एक्साइटेड है जाने के लिए, काफी सकरा सा, एक लोग ही जा पाएंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। किस तरह से जाना हो रहा है, यहाँ पे सीढ़ी दी गई है हल्का सा और पूरा ये देखिए, लाइट चालू करके देखना पड़ेगा, बाकी काफी खूबसूरत है। हमारे बस्तरिया भाई तो चले गए हैं, अब हमारी बारी है भाई, एक एक करके हम लोग नीचे उतर रहे हैं। गाइस तो देखिए कैसे आ रहे हैं हम लोग, काफी खतरनाक है भाई, अंदर में पूरा अंधेला है। अभी हम लोग वहाँ थे, अब देखो कितने नीचे आ चुके हैं हम लोग, अब यहाँ पे आराम से जाना है, धीरे धीरे बैठ कर जाना होता है क्योंकि पूरे पत्थर ऊपर में। नहीं तो कैसे भाई लोग जा रहे हैं, इस तरह का गुफा में हम पहली बार आ रहे हैं, काफी भाई नीचे है, हालत हो जा रही है खराब, छोड़ना था नहीं, इस तरह से पूरा सकरा बना हुआ है भाई साहब, क्या सीढ़ी है। नीचे में थोड़ा उमस कर रहा है ना, काफी अंधेला है, आपको टॉर्च लेकर आना पड़ेगा, काफी उमस है नीचे में, दिख भी नहीं रहा होगा आप लोगों को। गाइस यहाँ पे काफी उमस है, सांस लेने में जिसको दिक्कत है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी आप लोगों को दिखलाता हूँ मैं। क्या खूबसूरत सा दिख रहा है भाई, ये पत्थर है गाइस, ये पूरा पानी होगा, पानी जमा है, पानी जम गया, पानी इसमें पूरा जमा हुआ है, बहुत बढ़िया, काफी उमस है और अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा, काफी अंधेरा ना, कैसे रिश्ते जा रहा पानी। अभी आगे बढ़ते हैं, भाई लोग आगे निकल चुके हैं, ये है पूरा जा रहे हैं भाई लोग, इस साइड में पूरा पानी है, अच्छे से प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है। अंधी मछली देख रहे हैं अपन, मिलेगी बताना जाएंगे, ये है मछली, बहुत बड़ा ये गुफा है, यहाँ पे अंधी मछली पाई जाती है, अगर कोई दिखे तो दिखाते हैं हम आपको, एक नजर आई थी। बाकी भाई गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत लंबा है, चलो आगे देखते हैं। पहले ऐसी बाइक थी, पूरी की पूरी लाइन इसको पहले क्या ट्रैक्टर में गैस लाइट से दिखाते थे, इसलिए खराब हो गए, काले हो गए, मूर्तियां जैसा, पानी की बूंद बूंद से बनी हुई है। अरे भाई साहब काफी शानदार है, क्या बात, चप्पल जूता उतारेंगे शिवलिंग जाएंगे तो। ये है शंकर भगवान जी का शिवलिंग, इस तरह से पूरा ये जो दिख रहा है ये पूरा पानी से बना हुआ है, अंदर में गुफा भी है। कुटुम्बसर गुफा से हम लोग निकल चुके हैं और अंदर में इतना ज्यादा गर्मी है कि मैं बतला भी नहीं सकता। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कभी भी आप कुटुम्बसर गुफा के लिए आ रहे हैं तो अपने पास में टॉर्च जरूर रखिएगा, अच्छा टॉर्च रखिएगा, तभी आप अंदर का आनंद ले पाएंगे, क्योंकि जो भैया है जो आपके साथ में गाइड रहेंगे वो प्रॉपर अच्छे से नहीं दिखलाते हैं, ये एक कंप्लेन है मेरा, क्योंकि अच्छे से दिखलाओ उसके बारे में बतलाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो पे।